हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो यार, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोन से अपना 3D फोटो कैसे खींच सकते हो। क्योंकि गाइज, नॉर्मल फोटो तो हम सभी खींचते हैं, लेकिन अब आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से अपना 3D फोटो भी खींच सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको एक फ़ोटो खींच के दिखा देता हूँ। तो गाइज, यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो खींच लिया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो फोटो है ये एक 3D फोटो है। इसकी खास बात ये है कि जब आप अपने फ़ोन को इस तरह मूव करोगे तो आपका जो फोटो है ये भी मूव होगा। आप इसको फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हो। और गाइज, अगर आपका दोस्त देखेगा और जब वो अपना फ़ोन हिलाएगा, अपने फ़ोन को मूव करेगा, तो आपका फ़ोटो मूव होगा और वो ज़रूर चौंक जाएगा कि आखिर ऐसा फ़ोटो कैसे खींचा गया। तो आज का ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको खींच सकते हो और वो कौन सा एप्लीकेशन है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोरजी टेक्निकल में। मैं हूं अमित कुमार। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए एप्लीकेशन से रिलेटेड, नए नए ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए फ़ोन को हम स्क्रीन पर चलते हैं। तो यारो, जैसा कि आप देख सकते हो, हम आ गए हैं फ़ोन के होम स्क्रीन पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे अपने फ़ोन से अपना 3D फोटो खींच सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है लूसिड पिक्स। गाइज, ये एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है और इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लिंक पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर सकते हो और ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा। तो अब हम सबसे पहले एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो हमारा जो एप्लीकेशन है ये ओपन हो चुका है और आपको यहाँ पे काफ़ी सारे 3D फ्रेम मिल जाएंगे। गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक 3D फ्रेम है। जब आप फ़ोन को मूव करोगे, फ़ोन को हिलाओगे, तो ये जो फ्रेम्स हैं ये भी हिल रहे हैं। अब यहाँ पे आपको एक फ्रेम सेलेक्ट कर लेना है, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फ्रेम है ये सेलेक्ट हो चुका है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, जब मैं फ़ोन को मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये फ़ोटो भी मूव हो रहा है। अब आपको यहाँ पे ट्राई फ्रेम पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, 3D फ्रेम, उसके बाद 3D फोटो। दोस्तों, जब आप 3D फोटो पे क्लिक करोगे तो फ्रेम जो है वो गायब हो जाएगा और यहाँ पे आप प्लेन फोटो खींच सकते हो, वो भी 3D मोड में। तो हम यहाँ पे 3D फ्रेम पे क्लिक कर देते हैं। तो गाइज, अब यहाँ पे हम फोटो को क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने फ़ोटो खींच लिया है और जब मैं फ़ोन को मूव कर रहा हूँ तो हमारा फ़ोटो भी मूव हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक कर देना है और ये जो फ़ोटो है ये आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। और यहाँ पे शेयर पे क्लिक करके आप इसको डायरेक्टली फेसबुक पे शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। गाइज, ये काफ़ी कमाल का एप्लीकेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये बिल्कुल 3D थीम की तरह है, जैसे आप प्ले स्टोर से 3D थीम को इंस्टॉल करते हो, सेम उसी तरह ये भी है। एक बार जो देखेगा वो ज़रूर चौंक जाएगा कि आखिर ये 3D फोटो आपने खींचा कैसे है। अब यहाँ पे हम बैक आ जाते हैं। गाइज, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अच्छे अच्छे थीम मिल जाएंगे, आप इनको यूज कर सकते हो। तो इस तरह आप अपने फ़ोन से अपना 3D पिक, 3D फोटो खींच सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये एप्लीकेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो यार। चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए एप्लीकेशन से रिलेटेड, नए नए ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।